सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिम्प्लीफाइड। सो गाइज जैसे आज के वीडियो में हम पुणे के इंस्टीट्यूशनल राउंड के ऊपर डिस्कस करने वाले। अभी पुणे के इंस्टीट्यूशनल राउंड शुरू हो चुके, अभी कुछ कॉलेजेस ने शुरू किए, अभी वो कौन कौन से कॉलेजेस है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम PICET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अब PICET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर BTEC दिखेगा। आपको फर्स्ट ईयर BTEC के ऊपर क्लिक करना है। अब ये है आपका एडमिशन पेज। एडमिशन पेज में आपको एडमिशन ब्रोशर मिल जाएगा, एडमिशन नोटिस मिल जाएगा, कैंप राउंड में जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होते हैं मेरिट लिस्ट, वो भी यहाँ पे अपलोड होती है। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा एडमिशन अंडर IL मैनेजमेंट कोटा। अभी ये IL क्या है? IL का मतलब होता है इंस्टीट्यूट लेवल। सो एडमिशन अंडर इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट कोटा। अभी उस मैनेजमेंट कोटा में अगर आपको एडमिशन के थ्रू जाना है, इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू जाना है, तो आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके नीचे आपका NRI OCI का भी एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप NRI OCI CI WGC कोई कोटा में बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे आके इनके भी फॉर्म भर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। तो इनका जो डेट शीट है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या टाइमलाइन रहने वाला है। सो PICET में आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9th अगस्त से लेकर 28th अगस्त तक ओपन है। सो 9th अगस्त से लेकर 28th अगस्त बहुत अच्छा खासा टाइम मिला है आपको। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 30 अगस्त को रहेगा। सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस 31st अगस्त अप टू 2 PM। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 31st अगस्त को रहेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग रहेगा 3 तारीख से लेकर 5 तारीख। तो 3 से 5 सितंबर में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। सो 3 से 5 आपका इंस्टीट्यूशनल राउंड चलने वाला है। उसके बाद आपकी वैकेंसी राउंड भी होगी, स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं ना, कि जो सीट्स खाली बच जाती है वो फिलअप करनी होती है स्पॉट राउंड में। वो स्पॉट राउंड आपका 10 तारीख से लेकर 13 तारीख को चलने वाला है अप टू 5 PM। तो 10 से 13 5 बजे तक चलने वाला है वैकेंसी राउंड। तो ये था आपका वैकेंसी राउंड के ऊपर अपडेट, स्पॉट राउंड के ऊपर अपडेट, और इंस्टीट्यूशनल राउंड 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलने वाला है सेप्टेम्बर के। सो गाइस ये था आपका PICET का अपडेट। अभी दूसरा भी एक है आपका I2IT। अगर आपको मालूम है पुणे में एक I2IT कॉलेज है, नॉट IIIT। IIIT पुणे आपका JEE जोसा और CSEP के थ्रू मिलता है। सो I2IT जो कॉलेज है वो CET में पार्टिसिपेट करता है। I2IT में आपका ऑफलाइन फॉर्म रिलीज हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो I2IT के इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू एडमिशन लेने को, तो आप वहाँ पे विजिट करके उनका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो ये दो आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड की अपडेट थी। बाकी VIT का भी नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है। अपडेट है कि 25 तारीख से वो भी अपने फॉर्म ओपन करने वाले हैं, VIT विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी अगर कोई दूसरा कॉलेज ओपन करता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे इस चैनल पे। सो चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, और हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रिडिक्टर है, सारी अपडेट्स भी आपके ऐप के ऊपर आती है। मुंबई के जितने भी इंस्टीट्यूशनल राउंड ओपन हुए सब ऐप के ऊपर अपलोडेड करके रखे हुए। आप जाना ऐप डाउनलोड करना, ऐप के बैनर में आप स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूशनल राउंड। स्पॉट राउंड की कट ऑफ भी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बस बैनर पे क्लिक करते रहना है। बैनर पे आप जाओगे आपको एक होगा मास्टर एक्सेल शीट, उसके साइड में आपका स्पॉट राउंड की कट ऑफ रहेंगे, तो वो भी आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेट्स पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है गाइज़।